हेलो फ्रेंड आज के इस सेशन में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है दोस्तों ओके दिस इज ए वेट ऑफ ए मिनरल कंपेयर्ड टू वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मिनरल दिस इज ए सिंपल वेट एज कंपेयर टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर से दोस्तों ये कितना ज्यादा मतलब कि भारी है ओ है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल सा फॉर्मूला में यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो पी जी आर में लिख देता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम बड़े जी के बड़े जी में लिखते हैं दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है दोस्तों वेट ऑफ द मिनरल मिनरल का ओरिजिनल वेट कितना है दोस्तों वेट ऑफ मिनरल

वेट दोस्तों वाटर के साथ दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसी एक्स मिनरल को जब दोस्तों आप वाटर के साथ मतलब कि मेजर करने की कोशिश करोगे दोस्तों ओके तो दोस्तों कुछ ना कुछ वाटर मतलब कि लॉस होगा मिनरल का वेट दोस्तों लॉस होगा क्योंकि एक्स दोस्तों मिनरल का वेट है और इसके साथ दोस्तों कुछ डिफरेंस हो जाएगा मतलब कि वाटर का वेट से तो दोस्तों यही है आपका क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी तीन मेथड होते हैं दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमिन करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है दोस्तों वेट वेट ऑफ 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 द द मिनरल 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 टू लॉस इन वाटर वाटर जब आप उसी को के साथ नीचे रखोगे दोस्तों कितना मिनरल का वेट लूज हो रहा है दोस्तों इनका जो रेशियो है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं ओके आपको जब भी क्वेश्चन कुछ भी आएगा दोस्तों ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उसका दोस्तों कुछ भी सॉल्यूशन उसका निकलना है ओके अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड है हम जिससे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों निकल सकते हैं दोस्तों ये सैंपल टू वेरी करता है क्या है दोस्तों पहले पिक्नोमीटर पिक्नोमीटर दोस्तों जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए दोस्तों पिक्नोमीटर का यूज होता है दोस्तों स्मॉल स्पेसिमेन के लिए स्मॉल स्मॉल स्पेसिमेन मेन के लिए जनरली पिक्नोमीटर हम यूज करते हैं अगर मीडियम साइज ग्रेन हो गया तो दोस्तों उसके लिए हम बीम बैलेंस मेथड यूज करते हैं दोस्तों बीम बैलेंस मेथड हम यूज करते हैं अगर थोड़ा मीडियम साइज ग्रेन आ गया और दोस्तों हम जोली बैलेंस मेथड भी यूज करते हैं अगर बड़ा साइज का से, सेगमेंट आ गया दोस्तों जोली बैलेंस मेथड लार्जेंट के लिए ओके okay. यही है दोस्तों बीम बैलेंस मेथड और दूसरा भी एक है वॉकर स्टीलवाड़ मेथड इसके लिए भी हम मतलब कि मीडियम साइज वाला ग्रेन को यूज करते हैं दोस्तों क्या है वाकर स्टीलवर्ड मेथड प्रोसीजर सभी का ही सेम है दोस्तों वर्कर्स स्टीलवर्ड बैलेंस मेथड ओके बीम बैलेंस जैसा होता है दोस्तों स्टीलवर्ड बैलेंस मेथड मीडियम साइज ग्रेन के लिए ही इस्तेमाल होता है मतलब कि बहुत ही स्मॉल मतलब पाउडर फॉर्म अगर हो गया मिनरल का दोस्तों उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें पिक्नोमीटर इस्तेमाल करते हैं अगर मीडियम साइज ग्रेन हो गया उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए दोस्तों हम बीम बैलेंस मेथड यूज करते हैं और दोस्तों जोली बैलेंस मेथड जो कि लार्ज स्पेसिमेंट के लिए हम यूज करते हैं ओके okay, तो यही था दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो और एक याद रखने की चीज है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी मिनरल ग्रेट डेप्थ से आता है उसका दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होता है एम क्योंकि ग्रेट डेप्थ में होता है दोस्तों तो इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होगा और दोस दोस्तों लेस हाइट पे आपको देखने को मिल रहा है सालो डेप्थ पे जैसे कि एसआईएल वाला जो मिनरल होते हैं सालो डेप्थ पे मिल रहा है दोस्तों तो इनका दोस्तों लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों आपको जस्ट इतना ही याद रखना है कि जो भी मिनरल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लो मिल रहा है दोस्तों जनरली लो मतलब कि सालो डेप से आए हैं सालो डेप में फॉर्मेशन हुआ है कोई भी मिनरल अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा है दोस्तों पांच गुना दस गुना ज्यादा है वाटर से दोस्तों तो ये मिनरल बहुत ही ग्रेट डेप से आया है बस यही है स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके वाटर के साथ ही इसको कैलकुलेट किया जाता है वाटर से ये कितना वेट है ओके okay, तो बस यही है स्पेसिफिक ग्रेविटी थैंक यू फ्रेंड